कमलेश प्रजापत एनकाउंटर सीबीआई जांच के चलते सांडराव थाने में मुकदमे में सीबीआई जांच। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कमलेश के भाई बैराराम ने एक सीबीआई को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांडराव थाने में कमलेश प्रजापत के ऊपर हरीश चौधरी व उनके भाई मनीष चौधरी ने फर्जी रूप से मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मनीष चौधरी ने केस को हटाने के लिए 10 लाख रुपये मांगे थे और कमलेश ने 10 लाख रुपये दे भी दिए थे, लेकिन मनीष चौधरी ने सांडराव केस में कमलेश का नाम नहीं हटाया था। कमलेश ने जब मनीष चौधरी से 10 लाख रुपये मांगे तो मनीष चौधरी ने 10 लाख रुपये देने से मना कर दिया था और जान से मारने की धमकी दी थी। तो दोस्तों इस मुकदमे को लेकर सीबीआई टीम सांडराव थाने पहुंच चुकी है और सांडराव थाने में बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। अब यह पूछताछ हरीश चौधरी और मनीष चौधरी तक भी पहुँच सकती है। आपको बता दें कि दोस्तों प्रजापत समाज के कुछ लोग हरीश चौधरी के दबाव में हो सकते हैं और वे लालच में भी हो सकते हैं। अब सीबीआई जांच करेगी 10 लाख रुपये के लेन देन पर पूछताछ। यदि दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सीबीआई टीम कमलेश के परिवार को न्याय दिलाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।